बिहार के गया जंक्शन के पिलग्रिम प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अगलगी की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। हालांकि तब तक पूरी स्लीपर बोगी जलकर राख हो चुकी थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर आरपीएफ, जीआरपी एवं रेलवे के कई अधिकारी भी पहुंचे। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय ब्रजनंद पाठक ने कहा कि वे टहलने के लिए इधर आए हुए थे, तभी देखा कि पिलग्रिम प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन के एक स्लीपर बोगी से धुआं निकल रहा है। तब इसकी सूचना आरपीएफ, जीआरपी, रेलवे के अधिकारियों, गया के जिला अधिकारी एवं फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद रेलवे के कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि 6 बोगी की यह ट्रेन खड़ी थी, जिसमें आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया था। एक स्लीपर बोगी में आग लगी है। मौके पर पहुंचे राहत दल द्वारा अन्य बोगियों को काट कर अलग किया गया। उन्होंने कहा कि घटना के समय कोई भी व्यक्ति ट्रेन के अंदर मौजूद नहीं था। हालांकि यह बड़ी घटना हो सकती थी। आग लगी का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। एक ब्रजनंदन पाठक समाज सेवक हैं, उनके द्वारा हमें सूचना मिली कि रेलवे पिलग्रिम प्लेटफार्म के ऊपर आइसोलेशन कोच में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने स्वयं भी और दो तीन गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुँचे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अनेक बोगियाँ जुटी हुई थी, लेकिन आग सिर्फ एक बोगी तक ही हम लोग सिमट कर रख दिए। उसको तीनों तरफ से आग को कंट्रोल किए, आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। ये कौन सी ट्रेन थी? आइसोलेशन आइसोलेशन बनाया गया था, जैसा कि रेलवे पदाधिकारी द्वारा बता रहे थे कि अप्रैल 2020 से गाड़ी खरीदी। कारण स्पष्ट हो पाया कैसे? ये तो जांच का विषय है। ये तो ऐसे प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि आग किसी द्वारा लगाया गया है। प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत होता है। आग अपने से लगने की संभावना नहीं के बराबर है। कितना बड़ा हादसा हो सकता है? हादसा तो बहुत गंभीर होती है अगर हमारी टीम समय पर नहीं पहुँचती या हमारी याद नहीं। तो बहुत अनेक बोगियाँ एक आइसोलेशन वार्ड में एक साथ अनेक बोगियाँ जुटी हुई थी, बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। अपना परिचय दीजिए। अरविंद प्रसाद, फायर ऑफिसर, गया। क्या जानकारी मिली यहाँ पर, क्या हुआ है? सुबह मैं बिजली प्लेटफॉर्म के किनारे जो सड़क है उस पर मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो दरमियान मुझे लगा कि ट्रेन की बॉगी से कुछ धुआं उठ रहा है। तो मैंने जो है इसकी सूचना तत्काल रेलवे के आरपीएफ इंस्पेक्टर, स्टेशन मास्टर और अन्य वरीय अधिकारियों को दिया, और साथ ही साथ जो है कि फायर ब्रिगेड के वरीय अधिकारी जो यहाँ हैं उनको मैंने सूचित किया और डीएम गया को भी इसकी जानकारी दी। और इसके बाद तत्काल जो है कि फायर ब्रिगेड और रेल प्रशासन, पुलिस के सारे अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हो गए। ट्रेन की बोगी को, दोनों जो उसके साथ में संलग्न था जिसमें आग लगी थी, उसको अलग किया गया और आग पर काबू पाया गया। कितनी बोगी में आग लगी थी? एक बोगी से धुआं उठ रहा था और वही बोगी जली है, पूरी तरह जल गई है। कुछ कारण पता चला कैसे आग लगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जो है कि वो स्थानीय जिप्सी टाइप के लोग जो है वो यहाँ पर खाना आदि बनाते हैं, आग तापते हैं। तो इस बोगी में कोई यात्री वगैरह भी थे? नहीं, क्या? कोई यात्री नहीं थे। कोई हताहत नहीं हुआ? नहीं, कोई ऐसा नहीं। अपना परिचय दीजिएगा। बताया जा रहा है कि ये कोच अब यहाँ पर जो तीन चार बोगियाँ प्राय लगी हुई रहती हैं वो उसमें वो आइसोलेशन का ही होगा मैं समझता हूँ, और ये स्लीपर बोगी था ये चल रहा है और आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड को अपना परिचय दीजिएगा। प्रशासन के आरपीएफ की टीम जो विशेष करके इसमें महती भूमिका, परिचय दीजिए। नंदन पाठक, सोशल एक्टिविस्ट।